शांति स्तूपा वैशाली का देख लो कितना सुंदर कितना भाई ये एस्टैब्लिश हुआ था 23 अक्टूबर 1996 के। हाँ एक यहाँ का राजा जो था उसको मिला था, वो लाकर इधर डाल के पूजा पाठ की थी। वो ये हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज का बैकग्राउंड ही बड़ा अलग लग रहा होगा ना यार, बड़ा अलग बैकग्राउंड में इंट्रो शूट कर रहा हूँ यार। इंट्रो शूट करना मेरी एक पता नहीं एक हॉबी टाइप हो गई कि नई नई जगह पे एकदम चुंदा चुंदा जगह पे इंट्रो शूट करता हूँ। जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ भाई ये है पटना से 30 किलोमीटर दूर, मेन पटना से 33 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ यार। मैं यार खड़ा हूँ भाई यहाँ पे, यहाँ से 33 किलोमीटर दूर क्यों आया हूँ पटना से ये बताता हूँ, जहाँ आ रहा हूँ ये भी बताता हूँ। एक्चुअली हम लोग भाई यहाँ से जा रहे हैं आज वैशाली। वैशाली वो नहीं जो पिछले व्लॉग में आपने देखा था शिव जी का स्टैचू, वो था अलग वैशाली। ये है भाई वैशाली, रूइंस ऑफ वैशाली आपने सुना होगा भाई। बिहार में राजगीर फेमस है, जैसे भाई बिहार में भाई हमारा राजगीर फेमस है, बोधगया फेमस है, वैसे वैशाली में भी बहुत कुछ है जो कि आपको दिखाना है। एंड वैशाली से भाई सिर्फ इंडियन इतिहास जुड़ा हुआ है, वो इंडियन इतिहास को भी थोड़ा रूबरू करते हैं। एंड हम लोग भाई चलो आज के व्लॉग में लेट्स एक्सप्लोर वैशाली। एक्सप्लोरेशन में निकल गए हैं एंड भाई वैशाली एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से 17 किलोमीटर अभी और है एंड वहाँ पे डायरेक्ट रूइंस ऑफ वैशाली शुरू हो जाएगा, वैशाली स्तूपा शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे चलते हैं। एंड पटना में अपना सफर तय कर रहे हैं भाई एंड देख सकते हो अपनी बाइक पूरी लोडेड है एंड फ्रांस का नया लुक देख सकते हो भाई एकदम भाई इसने कहा कि भाई मैं रॉक को फॉलो करूँगा भाई, अपना बाल खत्म कर दिया। अच्छा लग रहा है ना सरांस के लुक कैसा रहा है कमेंट करके बताना भाई, है ना एकदम ब्लैक ब्लैक भाई। इसको गर्मी भाई गर्मी इतनी बढ़ गई है ना कि हाथ पर जल रहा है अभी से। कलर का बात नहीं कर रहे थे कुछ और कर रहे थे। चलो भाई यहाँ से 17 किलोमीटर है तो जितना जल्दी कवर करे उतना बढ़िया है। और वहाँ पे रास्ते में मिलते हैं ताकि रास्ता भी थोड़ा सा दिख जाओ और थोड़ा सा बात करते हुए हम लोग चलते हैं उनसे वैशाली पहुँचते हैं उनसे एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई चलते हैं यहाँ से अब वैशाली। 33 किलोमीटर पहले से कैमरा नहीं स्टार्ट किया भाई कि उतना लंबा जितना मोटो ब्लॉग हो उतना बोरिंग भी हो जाता है, तो कम डिस्टेंस पे ज़्यादा बातें होंगी तो मज़ा आएगा। ओफ तो भाई जब मैं रास्ते में आया भाई तो गूगल मैप में मुझे ऐसे ऐसे रास्ते से लाया, ऐसे ऐसे गांव से भाई निकल के आया हूँ मैं कि आप लोगों को क्या ही बताऊँ। लेकिन उसे दिखाने में भी अलग ही मज़ा था, बट पता नहीं क्यों नहीं दिखाया मैंने। तो चलो यार जल्दी से चलते हैं वैशाली, क्योंकि मेरे लिस्ट में बहुत टाइम से था वैशाली के बारे में। तो आप लोगों को सुना ही होगा यार कि वैशाली जहाँ पे है अशोक पिलर, अशोक स्तंभ तो आप लोग देखे जानते हो भाई, जो अशोक पिलर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो पार्ट है अशोक पिलर अशोक चक्र ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। भगवान महावीर जन्म स्थली बासो कुंड 16 किलोमीटर एंड जैन टेम्पल बौना पोखर। तो भाई इस सारे जगह पे चल रहे अपन। जैसे चले वैसे वैसे हमें दिखाया जा रहा है भाई विश्व शांति स्तूपा वैशाली, राजा विशाल के गढ़, 14 किलोमीटर ताजी सब जाने दो भाई बस को, बहुत बोलता है बस आजकल भाई। यहाँ पे ना भाई वैशाली में है शांति स्तूपा, जो इंडिया में भाई कितना जो भी भारत में भाई शांति स्तूपा बहुत सारे हैं, लेकिन वैशाली में भी एक शांति स्तूपा है एंड राजगीर में भी शांति स्तूपा है। तो वैशाली वाला शांति स्तूपा आज हम लोग देखेंगे। एंड भाई हो सकता है कि ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाए, लंबा होगा तो भाई दो पार्ट में आएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेने का, बस कंटेंट एंजॉय करते रहो अपन लोग चलते हैं। भाई गांव वाले रोड में ड्राइव करने का अलग ही मज़ा आता है यार, एकदम अलग ही सुकून शांति भरा लाइफ है यहाँ का भाई। किसी को किसी से कुछ खास मतलब नहीं, सब अपनी जीवन जी रहे हैं। एंड भाई यहाँ पे चारों तरफ तो हरियाली ही दिखती है जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ का। भाई पटना से ये वैशाली वाले रूट में भाई मेरे को पता नहीं कितने हजारों केलों के पेड़ों को मैंने देखा है भाई। हर जगह देखो तो केले के पेड़, केले लटके हुए हैं, कहीं आम के पेड़, कहीं लीची के पेड़। बिकॉज हम लोग मुजफ्फरपुर कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर से क्रॉस करके निकले हैं, या ऐसी ऐसी जगह से निकाला ना भाई गूगल मैप ने मेरे को, गाँव वाला एक सिंगल रोड से निकले हैं वही था शायद। फिर लालगंज आए, लालगंज से वहाँ पे आए, तो यहाँ पे लालगंज से ये थोड़ा 20 किलोमीटर 26 किलोमीटर है
उसको कैसे घुमाऊं। देख लो भाई सरसों के साग, एक मन करता है भाई एक शाहरुख खान वाला पोज दे दूं, कभी ना कभी एक पोज जरूर दूंगा भाई, और वो पोज जरूर जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पे। तो भाई इंस्टाग्राम इसलिए फॉलो कर लो, बार बार कहता हूँ भाई फॉलो कर लो। विश्व शांति सुपर 7.5 किलोमीटर और है भाई, क्या लगता है मैं 7.5 किलोमीटर कितनी देर में कर पाऊंगा? मेरे को भी नहीं पता भाई। डोंट ट्राई दिस एट योर होम, इसके लिए बहुत एक क्या कहते हैं ये स्टैंड, ये स्टैंड क्या कहते हैं, ये स्टैंड एक्सपर्ट्स के द्वारा लिया गया है, कृपया इसे घर पे ट्राई ना करें। जैन टेम्पल 2 किलोमीटर भाई यहाँ पे पहुंच रहा है। वैशाली, वैशाली देखो भाई पहुंच चुके हैं, वैशाली यहाँ पे लगा है, वो डैन भाई यहाँ पे चलो। क्या टेम्पल है ब्रदर, जहाँ तक मुझे पता है कि इंडियंस यहाँ पर नहीं जाते हैं भाई। सब पहुँच चुके हैं हम लोग भाई वैशाली, पीछे देख सकते हो ये वैशाली का ऐतिहासिक पोखर है, एंड पीछे इधर शांति स्तूप है, एंड बहुत सारी चीज़ है। तो भाई हम लोग वैशाली पहुँच चुके हैं, एंड अब इसको करेंगे एक्सप्लोर यार। एक्सप्लोरेशन में आज साथ देगा भाई सरांश। सरांश तुम्हारा एक शिकायत है भाई, तुम ब्लॉग में बोलते नहीं हो, तो आज चाहते हैं कि भाई तुम भी थोड़ा इंटरेक्ट करो एंड बताओ मेरे साथ साथ इसे एक्सप्लोर करने में मेरी मदद करो भाई, क्या बोलते? जरूर करेंगे, पहली बार हम यहाँ पे आए तो देखने के बाद ही कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे। भाई देख सकते हो भाई पीछे मेरे कितना बड़ा पोखर है भाई, ये इस पोखर के बारे में बताते हैं, इस साइड शांति स्तूप है उसको दिखाते हैं, रूइंस ऑफ वैशाली दिखाते हैं। तो चलो भाई चलते हैं, चलो सीधे सीधे सबसे पहले भाई हम लोग चलेंगे शांति स्तूप देखने। चलो चलो पहला रोड है ये मार्केट है, एंड यहाँ से भाई इधर का एंट्री है शांति स्तूप का, तो पहले शांति स्तूप चलते हैं। अभी लगता है पीक टाइम नहीं है, अभी बहुत कम लोग आए हुए यहाँ पे। कहाँ कहाँ है नहीं ये दार्जिलिंग, तो भाई देख सकते हो यहाँ पे भाई शांति स्तूप सीधे है, तो सीधे चल रहा है यार। एक तो हम लोगों ने शांति स्तूप देखा भाई दार्जिलिंग में, एंड राजगीर में भी है, तो राजगीर वाला भी जल्दी देखेंगे, ये वाला भी देखते हैं। ये वाला शांति स्तूप पहली बार वैशाली में है, अच्छा लग रहा है। पहुंच गए भाई ये यार शांति स्तूपा वैशाली का, भाई देख रहे हो कितना सुंदर, कितना क्या कहते हैं, कितना विशाल है भाई वैशाली, और विशाल दो चीज़ एक साथ मिल गए। एंड भाई इतना मेरा जो एक्शन कैमरा इसका भाई लेंस थोड़ा सा वाइड है, इसे थोड़ा उतना पता नहीं चला, लेकिन भाई बहुत बड़ा है, ऊपर चल के भी देखते हैं। एंड भाई बहुत मेनटेन भी है भाई, साफ़ सुथरा भी लग रहा है, तो ऊपर चलते हैं एंड एक्सपीरियंस करते हैं भाई। दार्जिलिंग वाला तो एक्सपीरियंस किया था, बट उतना उसका सही बताओ तो उतना उसका मेंटेन नहीं था, पेंट वगैरह, लेकिन इसका तो बढ़िया लग रहा है यार भाई। विश्व शांति स्तूप कहते हैं, पूरे इंडिया में भाई 7 स्तूप है, एंड एक भाई वैशाली में है जो आप अभी देख रहे हो यहाँ पे भाई, 7 में से 1, अभी तो शायद राजगीर में भी है। तो चलो भाई इसके ऊपर चलते हैं, उसके लिए हमें भाई जूते अपने उतारने पड़ेंगे। चलो ये सब उतार हैं यहाँ पे, उतारते हैं एंड ऊपर चलते हैं। तो भाई पहुंच चुके हैं शांति स्तूप के ऊपर, एंड ये देख सकते हो, चलो बुद्ध की स्मृति एंड बुद्ध का स्कल्पचर भाई, ऊपर से नीचे का व्यू भी बड़ा मस्त आ रहा है भाई। तो देख सकते हो भाई इसका राउंड मारते हैं भाई मस्त। जैसे मैंने बताया विश्व में टोटल इंडिया में टोटल 7 शांति स्तूप है, उसमें से भाई एक ये वाला है वैशाली का शांति स्तूप। किसने सोचा था भाई वैशाली में ये भी है, इतना सुंदर सुंदर चीज़ बिहार में है, बिहार में बहुत कुछ है, बिहार में ये भी है। वैशाली को जो खास बनाता है वो है भाई अशोका का पिलर, तो अशोक पिलर भी जाए देखते हैं भाई, पहले तो इसे एक्सप्लोर करते हैं, ऊपर चलते हैं एंड इसकी फुटेज को अच्छे से देखते हैं। ऊपर जाने का रास्ता जो होता है परिक्रमा वाला सेक्शन वो वाला, चलो भाई 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 इतना सफेद है भाई, सारे शांति स्तूप एकदम सफेद ही होते हैं।
सुपर की एक खासियत है भाई, जहाँ जहाँ शांति सुपर वहाँ पर वो बुद्ध की स्टैचूज मिलेंगे ही मिलेंगे। ये देख सकते हो ऐसे चार स्टैचूज होते हैं एंड इसकी हाइट बहुत अच्छी है, मेरे को हाइट एग्जैक्टली पता नहीं, वहाँ नीचे लिखा हुआ है तो वो देख के बताऊँगा, बट अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा इसके बारे में पता चल जाएगा। हिस्ट्री के बारे में बताओ तो भाई, ये इस्टेब्लिश हुआ था भाई 23 अक्टूबर 1996 के दिन इसे बनाया गया था, ओपनिंग किया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनॉग्रेटेड द बेस्ट शांति स्तूपा एट वैशाली बिल्ट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ मोस्ट वेन निची दासु फुजी गुरुजी ऑन 23 अक्टूबर 1996। इतना मैं बोर हो गया, अभी मैं भी बोर हो गया, कहानी मत घूमो यार, कहानी बताने वाला मैं नहीं, कहानी बताने वाले तो बहुत सारे बड़े हो, मैं तो घुमाने वाला हूँ, है ना भाई, ट्रैवलर ब्लॉगर भी। अब तो हम लोग चल रहे हैं भाई शांति स्तूपा को, कहते हैं टाटा बाय बाय एंड बाहर चलते हैं, अब दूसरा कंटेंट ढूंढते हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना है एंड समय थोड़ा सा कम है क्योंकि समझ सकते हो इतना दूर से हैं तो थोड़ा समय लग जाता है कभी कभी। शांति स्तूपा के बगल में भाई जैसे ही आप बाहर निकलते हो तो आपको ये पोखर मिलता है, देख सकते हो इस पोखर की भी कुछ कहानी है होगी लेकिन पता नहीं अभी इस टाइम पर मेरे को, तो ये देख सकते हो ये पोखर है ना, अभी लोग बोटिंग कर रहे हैं इसमें यार, बोटिंग वाले पूछ रहे, लेकिन भाई अपने पास बोटिंग नहीं करेंगे भाई, बड़ा गंदा पानी है भाई, बोटिंग करने का मन नहीं है अभी, झूमने तले या नैनीताल जाएंगे तब करेंगे बोटिंग। वैसे नैनीताल वाली वाइब तो आ रही है इधर, बोट को देख के पानी को देख के नहीं, मेंटेन थोड़ा सा कम है बाकी सब सही है। तो चलो उस साइड चलते, उधर क्या क्या है एंड पैदल ही घूमते हैं अभी, तो चलो भाई। तो भाई वहाँ पे था विश्व शांति स्तूपा एंड वहाँ पे है भाई विश्व कलश स्तूपा, यहाँ पे मेरे को भाई मैंने देखा बोर्ड तो उस हिसाब से चल रहे हैं, कोई यहाँ पे गाइड वाइड है नहीं, खुद से घूमो, बहुत भाई मतलब शांत है अभी ये एरिया है ना, तो कैसे बोला गाइड नहीं है, गाइड हमें ना, देखो वहाँ पे यहाँ से जाना है, इधर से लेफ्ट लेना है, उसके बाद वहाँ पर मिल जाएगा तुमको। सब मेरा काटते ही भी काट रहा है एकदम भाई, ये मेंटेनेंस की कमी है, बाकी तो भाई जगह तो बहुत सुंदर बन सकती है, पता नहीं क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब हो रखा है। तो चलो चलते हैं, यह है बुद्ध रेलिक स्तूपा, जैसे ही यहाँ होते हो भाई ये बुद्ध जी की मूर्ति मिलती है एंड घंटा। तो भाई ये है बुद्ध कलश स्तूपा जिसमें भाई बुद्ध जी का लास्ट टाइम का जो उनका अस्थि था वो डाला गया था यहाँ पे यार। ये है भाई बुद्ध कलश स्तूपा जिसके बारे में बता रहा था, ये क्यों इसकी हिस्ट्री है भाई, बहुत सुंदर हिस्ट्री है जो अब मैं आपको बताता हूँ। हम मेरे से जानने से बढ़िया भाई यहाँ के लोकल से पूछते हैं, यहाँ के स्टाफ है संदीप भैया, ये हमें बताएंगे क्या भैया ये भगवान बुद्ध का समाधि स्थल है, भगवान बुद्ध बोध बना क्या बोलते हैं सॉरी भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, परिनिर्वाण मतलब वो मर गए कुशीनगर में, मरने के बाद उनको अस्थि को जलाया गया, जलाने के बाद जो हड्डी और राख बचता है उसको 8 भाग में बांटा गया, एक यहाँ का राजा जो था उसको मिला था, वो लाकर इधर डाल के पूजा पाठ की थी, वो सन 1958 ईस्वी में इसका काशी जसवाल समाधि 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 सन 1958 ईस्वी में काशी जसवाल प्रसाद द्वारा इसको खंडित मतलब खुदाई किया गया, यहाँ से निकाल कर पटना संग्रहालय में रखा, पटना म्यूजियम में उसको लाने के लिए इधर 72 एकड़ का गवर्नमेंट जो अच्छा, वो नया वाला नया मंदिर बन निर्माण चालू है, सिर्फ पत्थर का ही निर्माण हो रहा है मंदिर का। हाँ, तो वहाँ पे बन रहा है, अस्थि कलश वो आएगा 2024 में आएगा, ओपनिंग है दलाई लामा का पूजा के साथ ओपनिंग, वो समाधि वहाँ पे रखाएगा जो वैशाली से जहाँ से जो निकला है वहीं पे, फिर वो बस प्रिजर्व किया गया पटना में, पटना में। अच्छा, तो थैंक यू भैया बताने के लिए हम लोग को, कि भैया ने आपको बताया कि भाई यहाँ पे जो ये जो है ये उनका समाधि था बुद्ध जी का, जिसको 8 अवशेषों में बांटा गया था, उसमें से एक अवशेष यहाँ पे रखा गया था जो कि अभी पटना म्यूजियम में फिलहाल, एंड उसको भाई उधर यहाँ पे देख सकते हो पीछे कंस्ट्रक्शन हो रहा है नया मंदिर का जो 2024 में हो जाएगा, एंड पटना म्यूजियम से वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे रख दिया जाएगा भाई। तो ये था यहाँ का हिस्ट्री एंड बहुत खूबसूरत और बहुत शांति भरा जगह यार। तो ये रहा था ये भाई अपना क्या कहते हैं बुद्धा रेलिक स्तूपा इसका नाम है इंग्लिश में, बस थानी में हिंदी में तो कल से सुपा करके कुछ था। तो चलो भाई यहाँ से चलते हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं वैशाली में कवर करने को, तो करते हैं भाई। ये पूरा रूइंस ऑफ वैशाली,